15 अगस्त को मुख्यमंत्री ने पेंशनरों के लिए एक बड़ा ऐलान किया था और वो ऐलान 75 वर्ष की आयु सीमा पार कर चुके या फिर जो 75 साल के पेंशनर्स हैं उनके लिए एक बड़ी सौगात जो है वो मुख्यमंत्री ने पिछले कल 15 अगस्त के मौके पर दी थी। और इसके तहत 75 वर्ष या उससे ज्यादा की उम्र के पेंशनरों को पूरा एरियर देने का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है और इसी वित्तीय वर्ष में पेंशनरों को यह भुगतान किया जाएगा। हालांकि हिमाचल प्रदेश के पेंशनर अभी लिखित क्लैरिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार ने जो घोषणा की है उसके आधार पर आखिरकार उन्हें किस तरह से बेनिफिट दिए जाएंगे, क्योंकि 1 जनवरी 2016 से पेंशनरों का डीए का एरियर जो है वो पेंडिंग चल रहा है। पे स्केल, ग्रेच्युटी व कई ऐसा बकाया है जो कि पेंशनर्स को सरकार की ओर से नहीं दिया गया है और अब इस वर्ष केवल डीए का एरियर दिया जाएगा या फिर देनदारियों की कोई लिमिटेशन सरकार की ओर से रखी जाएगी, इसको लेकर पेंशनर क्लैरिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें तो पेंशनरों को इससे पहले भी एरियर 50 से 1 लाख की लिमिट के साथ पहली किस्त में सरकार की ओर से दिया गया था। हिमाचल में पेंशनर को सेवानिवृत्ति के दौरान मिलने वाला कम्यूटेशन भी अभी तक नहीं दिया गया है। ऐसे में वित्त विभाग ने सरकार के आदेशों पर पेंशनरों को देनदारियां देने का रोडमैप हालांकि तैयार कर दिया है और जो अभी तक वित्त विभाग की ओर से रोडमैप तैयार किया गया है उसके अनुसार 75 साल से ज्यादा आयु के 28,000 पेंशनर जो है वो हिमाचल प्रदेश में इस दौरान है और अगर सरकार इन 28,000 पेंशनर्स को उनके डीए का एरियर और तमाम उनके वित्तीय लाभ अगर उनको देती है तो ऐसे में 500 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ जो है वो राज्य सरकार पर पड़ेगा। सरकार ने पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन एरियर का इस वित्त वर्ष में पूरा भुगतान करने की घोषणा की है। हिमाचल में कुल पेंशनर 1,80,000 है। 4,500 करोड़ से अधिक की देनदारियां पेंशनरों की ही राज्य सरकार पर है और इसके साथ ही 10,000 करोड़ रुपए की जो देनदारियां है उसमें पेंशनर्स और दूसरे कर्मचारी भी है, जिसमें कि 1 जनवरी 2016 से अभी तक जिन्हें डीए का एरियर, पे स्केल, तमाम ऐसे बेनिफिट जो है वो दिए जाने हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि किस तरह से सरकार पेंशनरों का बकाया चुकता करती है। इसके अलावा कर्मचारियों का डीए और एरियर पर अगले वित्तीय वर्ष में हिमाचल सरकार फैसला लेगी। तो फिलहाल क्योंकि डीए और एरियर का मसला हिमाचल प्रदेश में इसलिए भी चर्चित है क्योंकि प्रदेश में कर्मचारियों की संख्या सबसे ज्यादा रहती है और ऐसे में कर्मचारी जो है वो हमेशा इंतजार करते हैं, चाहे वो 25 जनवरी हो या 15 अगस्त हो या दिवाली का मौका हो। तो ऐसे मौकों पर कर्मचारी जो है वो सरकार से उम्मीद करते हैं कि उन्हें उनका डीए, एरियर और तमाम पे स्केल में बढ़ोतरी की जाए, उनके आर्थिक लाभ में जो है वो सरकार बड़े ऐलान करे, घोषणा करे। लेकिन जिस तरह के हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति बनी हुई है फिलहाल उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि कर्मचारियों को अपने डीए के लिए जो है वो थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी पेंशनर्स को जो है वो सरकार पूरा एरियर देगी। अब ये एरियर किस हिसाब से दिया जाएगा, ग्रेच्युटी दी जाएगी या फिर उनका डीए का एरियर दिया जाएगा, पे स्केल दिया जाएगा, फिलहाल ये कुछ दिनों में स्थिति स्पष्ट होगी जब वित्तीय विभाग का पूरा जो एक क्लैरिफिकेशन है सीएम के स्पीच की जब वो सामने आएगी। इसी तरह से अगली खबर की बात करते हैं, कर्मचारियों का ही दूसरा मुद्दा है। हिमाचल प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति को लेकर एक हिमाचल प्रदेश में कई कयास लगाए जा रहे हैं और इसी तरह से आप देखिए कि चतुर्थ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा 60 करने के मामले पर वित्त विभाग ने फाइल वापस भेज दी है और इससे पहले कार्मिक विभाग ने यह फाइल वित्तीय विभाग को भेजी थी और हाईकोर्ट के फैसले पर हिमाचल प्रदेश के चतुर्थ कर्मचारियों को 58 की जगह पर 60 साल में सेवानिवृत्त किया जाए, इसको लेकर यह वित्त विभाग के लिए फाइल भेजी थी। लेकिन वित्त विभाग ने इस फाइल को वापस भेज दिया है और फिर से अब पेंच फंस गया है कि आखिरकार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी 60 साल में सेवानिवृत्त होंगे या फिर नहीं। हालांकि जो पटिशनर है उनका कार्यकाल बढ़ाने के आदेश दे दिए गए हैं और शिक्षा विभाग से आई फाइल पर वित्त विभाग ने सुझाया है कि विभाग सुप्रीम कोर्ट में सीएलपी दायर करे और उसके बाद ही
चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी है उनकी सेवानिवृत्ति को लेकर जो है वो आगामी फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही अगली खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत एकल महिला परिवारों, निराश्रितों, महिलाओं, विधवाओं और विकलांग माता पिता के 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए 1000 रुपए की मासिक सहायता की घोषणा पिछले कल की है और सरकार इन बच्चों को IIT, IIM, मेडिकल कॉलेजों और PhD कार्यक्रमों में 27 वर्ष की आयु तक की शिक्षा का खर्च भी वहन करेगी। यदि निःशुल्क छात्रावास आवास उपलब्ध नहीं है तो राज्य सरकार PG आवास के लिए 3000 रुपए प्रति माह की सहायता भी इन बच्चों को प्रदान करेगी। तो सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। एक बार फिर से हिमाचल के गरीब यानी कि आर्थिक स्थिति से जो कमजोर वर्ग है उनके बच्चों की पढ़ाई को लेकर। इसी तरह से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ देहरा में हुई बैठक के बाद राज्य पटवारी और कानून को संघ ने काम पर लौटने का फैसला ले लिया है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि उनकी उचित मांगों को दृष्टिकोण के साथ समाधान किया जाएगा और मुख्यमंत्री ने कहा कि पटवारी और कानूनगों का राज्य कैडर किया जाना सरकार का नीतिगत फैसला है। उन्होंने पटवारी और कानूनगों से सरकार की इस पहल में सहयोग करने का आग्रह किया है और उन्होंने CM ने कहा है कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर लागू करने के लिए पटवारी कानूनगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को पेश आ रही समस्याओं के समाधान के लिए सरकार एक मिशन मोड पर कार्य कर रही है और इसमें पटवारी और कानूनगों की बेहद अहम भूमिका रहती है। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि सरकार उनकी सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है और कर्मचारियों की वित्तीय देनदारियों का चरणबद्ध तरीके से भुगतान भी किया है। और पटवारी एवं कानूनगो संघ के अध्यक्ष सतीश चौधरी ने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पूरी निष्ठा व समर्पण भाव से कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी पटवारी और कानूनगो अपने एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में भी देंगे और इसके साथ ही आज से तमाम सभी पटवारी और कानूनगो ने सभी तरह के दस्तावेज जो है वो आज से बनाने शुरू कर दिए हैं, जिसकी सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर अब पटवार खाने में और तमाम सभी सरकारी कार्यालयों में मिल सकेगी। अगली खबर की बात करते हैं, शिक्षकों से जुड़ी हुई ये खबर है। दिल्ली चंडीगढ़ से तमाम ऐसे शिक्षक जो कि डेपुटेशन में कई सालों से डटे हुए हैं उन शिक्षकों को वापस बुलाने की तैयारी सरकार ने कर दी है। सरकार ने शिक्षा विभाग को आदेश जारी किए हैं और राज्य से बाहर गए शिक्षकों की जानकारी मांगी गई है। बाहरी राज्यों में प्रतिनियुक्ति पर गए शिक्षकों को ग्रामीण व जनजातीय क्षेत्रों में अब सरकार भेजेगी और उनकी आगामी जो सेवाएं हैं वो ऐसे ही क्षेत्रों में ली जाएगी जहां पर शिक्षकों की काफी ज्यादा कमी चल रही है। 10 साल से ज्यादा बाहरी राज्यों में डेपुटेशन देने वाले शिक्षकों पर ये गाज गिरने वाली है। बाहरी राज्यों में सेवाएं देने वाले शिक्षकों का वेतन भी रुक जाएगा अगर सरकार के बार बार आदेशों के बाद भी इन्होंने अपना डेपुटेशन आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी भी ऐसे शिक्षक है जो कि डटे हुए हैं, नेता व अन्य प्रतिनिधियों से अपने जुगाड़ करवा रहे हैं। और यहां पर आप देखिए तो शिक्षा सचिव से लेकर शिक्षा अधिकारियों को कॉल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनके डेपुटेशन को ना छेड़ा जाए और उसे आगे वैसे ही जारी रखा जाए। लेकिन अब सरकार ने दो टूक कहा है कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी शिक्षक हैं बाहरी राज्यों में सेवाएं नहीं देंगे, हिमाचल के सरकारी स्कूलों में जाएंगे, वहां पर छात्रों को पढ़ाएंगे और अगर कोई शिक्षक हिमाचल प्रदेश का बाहरी राज्य में जाता है तो सरकार उनके वेतन और आर्थिक लाभ की जिम्मेवारी नहीं उठाएगी। फिलहाल प्रतिनियुक्ति पर गए शिक्षकों की हार्ड एरिया में ड्यूटी अब राज्य सरकार लगाएगी। अभी तक कितने ऐसे शिक्षक है जो कि बाहरी राज्यों में डेपुटेशन पर गए हैं, विभाग के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है। लेकिन इस आंकड़े को जुटाने के लिए अब सरकार ने एक हफ्ते का समय जो है वो शिक्षा विभाग को दिया है। इसी तरह से अगली खबर की बात करें तो स्कूलों को बंद और मर्ज करने के फैसले को एक बार फिर से सरकार रिव्यू करने जा रही है। इनरोलमेंट बढ़ाने में शिक्षक जुट चुके हैं क्योंकि जिस तरह से कई शिक्षकों के ट्रांसफर ऑर्डर हुए और इसी के साथ कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें नई नियुक्तियां दी गई, कई स्कूलों में इनरोलमेंट कम थी तो अब ट्रांसफर के डर से बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अपने स्कूलों में इनरोलमेंट को बढ़ा दिया है और कई स्कूलों में इनरोलमेंट भी बढ़ गई है और विभाग ने सरकार को इस बाबत रिपोर्ट भेज दी
गई है। ऐसे में 560 सरकारी स्कूलों को मर्ज और बंद करने में अभी समय लगेगा। आपको बता दें तो शिक्षक संघ भी ये मांग कर रहे हैं कि 30 सितंबर तक स्कूलों को बंद व मर्ज ना किया जाए, क्योंकि इससे छात्रों की पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और कुछ समय के लिए स्कूल मर्ज करने का मामला ऐसे में जो है वो ये बताया जा रहा है कि लटक चुका है। फिलहाल शिक्षा मंत्री जो शिमला लौटेंगे उसके बाद वो स्कूल मर्ज की फाइल को एक बार फिर रिव्यू करेंगे, उसके बाद आगामी फैसला होगा कि आखिर इन पर क्या करना है। अगली खबर की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अंडर 19-14 खिलाड़ियों की डाइट मनी को लेकर शारीरिक शिक्षकों ने विरोध जताया है। शिक्षकों ने सरकार से मांग उठाई है कि डाइट मनी को बढ़ाने के फैसले को सरकार वापस ले। उन्होंने कहा है कि इससे स्कूलों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, क्योंकि राज्य सरकार खिलाड़ियों की डाइट मनी को लेकर अलग से बजट जारी नहीं करती है, तो ऐसे में फिलहाल डाइट मनी के जो फैसले है उसे सरकार वापस ले। अगली खबर की बात करते हैं, हिमाचल में कल से अस्पतालों में ओपीडी बंद रहेगी। ऐसे में मरीजों को काफी खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि आईजीएमसी सहित सभी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर कल हड़ताल पर रहेंगे। रेजिडेंट डॉक्टर से लेकर तमाम सभी मेडिकल ऑफिसर्स कल से हड़ताल करेंगे, सभी अस्पताल बंद रहेंगे, केवल आपातकालीन सेवाएं जो है वो जारी रहेगी। कल सुबह 6 बजे से अस्पतालों में डॉक्टर काम करना बंद कर देंगे और अब सोमवार को ही मरीज अपना चेकअप करवा सकेंगे। हालांकि आपातकाल में सेवाएं चलती रहेगी, मरीजों को दिक्कतें भी होगी क्योंकि आम ओपीडी में जो है वो कल डॉक्टर नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में अभी से ही लोगों को ये आगाह कर देते हैं कि अगर आप किसी मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, बड़े अस्पताल में जाते हैं, तो थोड़ा संभल कर जाए, क्योंकि पूरे देश भर के साथ जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी डॉक्टरों ने कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुए रेप मामले में हड़ताल पर जाने का फैसला ले लिया है। अगली खबर की बात करते हैं, तो चुनाव आयोग ने आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर में 3 फेज 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। यहां 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं और आखिरी बार 2014 में यहां चुनाव हुए थे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव होगा। उधर हरियाणा में 1 फेज में 1 अक्टूबर को मतदान होगा। दोनों राज्यों में नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस और त्योहार होने की वजह से महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव बाद में करवाए जाएंगे। इससे पहले 2019 में हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ हुए थे। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों अलग अलग जो आज स्कूल थे उनमें क्यों थे। देखिए, दो तरह की चीजें हैं। पहली बात यह है कि जो शिक्षा मंत्री हैं वो जो जिला स्तरीय 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम था, समारोह था चंबा में, वहां मुख्य अतिथि थे। तो रोहित ठाकुर गए हैं चंबा और उन्होंने वहां पर डायरेक्टर हायर अमरजीत शर्मा, डायरेक्टर एलिमेंट्री जो है उनको भी बुला लिया, और एसपीडी जो है राजेश शर्मा उनको भी बुला लिया। सीपीएस जो पालमपुर से विधायक हैं आशीष बुटेल, आशीष कोहली जो है वो डायरेक्टर एलिमेंट्री हैं और आशीष बुटेल सीपीएस हैं, उनको भी बुला लिया। मतलब एजुकेशन की पूरी टीम चंबा में थी। चंबा में इन्होंने आज चंबा में बॉयज स्कूल का निरीक्षण किया, वहां पे गए, बच्चों से मिले, कक्षा में जाके जो पढ़ाई कैसे करते हैं, सिस्टम क्या है, स्कूल में कितनी सुविधाएं हैं, वो सारी चीजें, स्टाफ के साथ फोटो भी हुआ। और इसी के साथ जो प्रिंसिपल चंबा के जो चुनिंदा स्कूलों के प्रिंसिपल्स थे उनको बुलाया था बैठक के लिए, उनके साथ बैठक की, चाहे वो प्राइमरी के थे चाहे हायर एजुकेशन के थे, जो राज्य सरकार के नए इनिशिएटिव हैं उनको लेकर शिक्षा मंत्री ने चंबा में जाकर प्रिंसिपलों के साथ बैठक की है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री क्योंकि देहरा में थे, कल राज्य स्तरीय कार्यक्रम देहरा में था, तो आज देहरा में जो नए कार्यालय बनने हैं या जो कार्यालय शुरू होने हैं देहरा में, अभी जो अनाउंसमेंट की है, एससी पीडब्ल्यूडी है, फिर जल शक्ति है, फिर बिजली बोर्ड है, फिर बीएमओ का दफ्तर है, जो 15 अगस्त को अनाउंसमेंट हुई थी, वो बनेंगे कहां, उसके लिए साइट लोकेशन होनी थी। साइट लोकेशन के साथ साथ वो भी एक स्कूल में देहरा में चले गए, स्कूल की कक्षा में गए, वहां बच्चों से मिले, इंटरेक्शन किया। तो ये एक दूसरा जो क्रम था जो स्कूल स्पेसिफिक था। पहली बात इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है जेओए लाइब्रेरी भर्ती और जेबीटी को लेकर। देखिए, हम आज आपको जेओए लाइब्रेरी को लेकर अपडेट देंगे जो 400 पदों को भरने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कैबिनेट में ये पिछली कैबिनेट में मामला गया था और कैबिनेट में जब गया था तो तब भी हमने आपको इसकी जानकारी दी थी। कैबिनेट ने यह डिसीजन किया है कि पहले रैशनलाइजेशन कर ली जाए, उसके बाद ये डिसीजन हो नई भर्ती करने का। मतलब जो ऑलरेडी इनके पास 500 के आसपास के जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन या जो भी पोस्ट अभी अवेलेबल है, जिनमें से बहुत से अब कॉलेजों में भेज दिए हैं और
उनकी जो डिसीजन हुआ था यूजीसी स्केल का, जो मजबूरी में राज्य सरकार को कोर्ट केस के कारण करना पड़ा, उसी के बाद उस कैडर को अब खत्म कर दिया गया है और अब जेओए लाइब्रेरी के लिए बात आगे हुई थी। इस केस में हुआ यह है कि हाईकोर्ट में सुनवाई है, 20 तारीख को केस लगा है जेओए लाइब्रेरी का, और एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि सरकारी वकील ने कोर्ट में खड़े होकर जो कह दिया इस केस में कि चुनाव के बाद हम भर्ती शुरू कर देंगे, वो गलत है, वो विभाग ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। दूसरी बात, जब सरकारी वकील के कहने के बाद कैबिनेट में केस भेजा गया तो कैबिनेट में यह डिसीजन लिख के उसमें आया है कि पहले जो है इसमें भर्ती करने से पहले रैशनलाइजेशन करिए स्कूलों की, क्योंकि 300 बच्चे जहां हैं सिर्फ वहां लाइब्रेरियन दिया जाएगा, उससे कम बच्चे जहां हैं वहां लाइब्रेरियन नहीं दिया जाएगा, तो पहले रैशनलाइजेशन की जाए, क्योंकि रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया भी चल रही है, चाहे वो मर्जर की हो चाहे वो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की हो, तो जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक भर्ती नहीं शुरू होगी, ना भर्ती की जाएगी। और अभी जो 20 तारीख को राज्य सरकार का रिप्लाई जा रहा है कोर्ट में, वो रिप्लाई इसी तरह दिया जाएगा जैसा मैंने आपको बताया। अब आप देखिए, जब रैशनलाइजेशन जेओए लाइब्रेरी की है, इसी रैशनलाइजेशन के फेर में जेबीटी फंसे हुए हैं। अभी आप देखे होंगे 2-3 दिन पहले एक चिट्ठी फिर से गई है कि प्राइमरी स्कूलों का जो डाटा है वो किस तरह से मांगा गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, वो डाटा जब कंपाइल होगा कंप्लीट होगा वो कनेक्टेड है जेबीटी की पोस्टिंग के साथ। अभी भी जो कैबिनेट में डिसीजन हुआ है 100 स्कूलों को बंद करने का जहां जीरो एनरोलमेंट है, और 361 स्कूलों को मर्ज करने का जहां 5 से कम बच्चे हैं, तो उस डिसीजन के होने के बाद, उसको इंप्लीमेंट करने के बाद ही पोस्टिंग ऑर्डर होने हैं, तो मुझे लगता है जेबीटी को अभी इंतजार करना पड़ेगा, अभी इमीडिएट कुछ ज्यादा होने वाला है नहीं। और अगर कोई इसके बारे में जवाब दे सकता है तो वो या तो शिक्षा मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं कि उनका अगला प्लान क्या है। इसके बाद मेडिकल रिइंबर्समेंट की ऑर्डर की बात करता हूं। मेडिकल रिइंबर्समेंट को लेकर जो अपडेट है वो ये है कि जो मार्केटिंग बोर्ड है स्टेट का वो, और जो एपीएमसी हैं, जो कमेटियां हैं जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज, हर जिले में होती है, उनके कर्मचारियों को भी अब मेडिकल रिइंबर्समेंट फैसिलिटी का लाभ मिलेगा। जहां तक सरकारी कर्मचारी हिम केयर में जिन्होंने कार्ड बनवा लिए थे उनके कार्ड ब्लॉक करने की जो प्रक्रिया वो शुरू हो गई है हेल्थ में, वहां से ब्लॉक हो जाएंगे, इधर जो मेडिकल रिइंबर्समेंट है वो जारी रहेगी। और मेडिकल रिइंबर्समेंट की फैसिलिटी में एक नई कैटेगरी जुड़ेगी, मार्केटिंग बोर्ड के एम्प्लॉइज और जो एपीएमसी के एम्प्लॉइज हैं वो भी उसमें ऐड हो जाएंगे। ये जो चेंज है, बड़ा चेंज है मेडिकल रिइंबर्समेंट सिस्टम में, ये उसकी बात है। अब बात करते हैं डीए और एरियर की। कल 15 अगस्त था और 15 अगस्त में मुख्यमंत्री ने जो अनाउंसमेंट की वो ये की कि जो 75 साल या इससे ज्यादा के पेंशनर हैं उनका सारा एरियर जो है पे कमीशन का वो इसी फाइनेंशियल ईयर में दे दिया जाएगा। वो 2-3 किस्तों में भी दिया जा सकता है, एक मुश्त भी दिया जा सकता है, क्योंकि एक मुश्त शब्द का इस्तेमाल मुख्यमंत्री ने नहीं किया है, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में ये मिल जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर है। दूसरा जो अनाउंसमेंट हुई वो ये कि जो बाकी बकाया देनदारियां हैं वो आने वाले वर्षों में चरणबद्ध तरीके से दी जाएंगी। मतलब आपको अभी इंतजार करना है, प्रेजेंटली सरकार के 2 साल हो गए हैं, 3 साल और बाकी हैं, तो अगले 3 साल में आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो बकाया है वो मिल जाएगा। लेकिन इस घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर कुछ रिएक्शन भी हुआ है। एक रिएक्शन हमारे पास आया है हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पूर्व प्रवक्ता और गैर शिक्षक महासंघ शिक्षा निदेशालय के पूर्व अध्यक्ष शेर सिंह कौशल का। इनका बड़ा जो नाराजगी वाला है, इन्होंने कहा कि कभी ऐसा नहीं हुआ राज्य सरकार, किसी भी राज्य सरकार ने जो कर्मचारियों और पेंशनरों की देनदारी हो वो इतना डिले की हो, और इसीलिए 2016 से जो देनदारी है वो आज तक नहीं मिली, तो राज्य सरकार को इसमें सीरियसली सोचना चाहिए, अदरवाइज हम लोगों को पेंशनरों को सड़क पे आना पड़ेगा, क्योंकि और कोई तरीका बचा नहीं है। क्योंकि इन्होंने कहा कि सिर्फ 75 साल वाली शर्त लगाना गलत है पेंशनरों के लिए, सभी के लिए ये ऑर्डर होना चाहिए। दूसरा एक अपडेट मिली है, ये अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अगुवाई में, भरत शर्मा उनकी तरफ से यह है, उनकी अगुवाई में मुख्यमंत्री से जल्दी मिलेंगे। वैसे ही 15 अगस्त के आसपास भी अभी कार्यक्रम के उसमें भी मिले थे, लेकिन उसके बाद प्रेस नोट जारी कर दिया कि मिलेंगे, और उसमें 12% महंगाई भत्ता और वर्ष 2016 से जो वेतन आयोग का बकाया है उसके तुरंत भुगतान की मांग करेंगे। एक इन्होंने अपने ज्ञापन में यह भी कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 साल करने की भी मांग करेंगे। इस मांग के खिलाफ राज्य सरकार ऑलरेडी डिसीजन कर चुकी है और वो हम आपको अब आगे इसमें बताएंगे। ये है रिटायरमेंट एज पर फैसले की बात। और रिटायरमेंट एज पर जो फैसला हुआ है उसकी जानकारी अगर आपको दें तो आपको पता हो पिछले दिन हमने आपको बताया था, एक रोज पहले मतलब परसों बताया था कि रिटायरमेंट एज को लेकर जो चर्चा चल रही थी उसमें एक एसोसिएशन ने लिखा पर्सनल डिपार्टमेंट को कि हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया है 2001 के बाद के जो क्लास 4 हैं उनकी जो रिटायरमेंट एज है वो 58 से 60 की जाए, और पर्सनल ने वो भेज दिया फाइनेंस को, क्योंकि ये फाइनेंशियल रूल्स का मैटर है, इसीलिए फाइनेंशियल एफआर रूल्स का मैटर है, और इसीलिए वो ही इसमें डिसीजन ले। तो ये
फाइल चली गई थी फाइनेंस को, लेकिन इसमें टोटल जो पिटिशनर्स थे इस केस में वो थे 111 याचिकाएं सेपरेट सेपरेट थी। और इसको 28 मई को हिमाचल हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया था, चीफ जस्टिस के डिविजन बेंच ने ये कहा था कि 2011 के बाद जो क्लास फोर हैं वो 58 से उनको भी 60 साल में रिटायर किया जाए, और जो लोग रिटायर कर दिए हैं आपने उनको वापस बुला के दोबारा नौकरी दी जाए 60 साल तक, और जो 60 साल जिनके पूरे हो गए हैं उनको पूरा जो सर्विस है वो ब्रेक इन सर्विस ना मानी जाए, 60 साल तक का उनको सर्विस का जो फायदा है वो दिया जाए। ये जो हाईकोर्ट का डिसीजन था और ये मई 28 के आसपास का डिसीजन है जिसमें ये हुआ था। और इस डिसीजन के बाद इसी डिसीजन में जो डिसीजन हुआ है 2001 के बाद नियुक्त वालों के लिए था ये, लेकिन 10 मई 2001 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए था। 2018 में ये नोटिफिकेशन की थी, उस नोटिफिकेशन को भी हाई कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया था, लेकिन अब राज्य सरकार ने ये डिसीजन किया है, निर्देश दिए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि वो इसमें SLP दायर करें सुप्रीम कोर्ट में। राज्य सरकार को ये फैसला मंजूर नहीं है कि जो जो क्लास फोर की जो रिटायरमेंट एज है, क्योंकि बाकी सबकी 58 है, तो सरकार ये चाहती है कि सभी की 58 ही रहे। जब कैबिनेट होगी उसके एक दो दिन आगे पीछे कैबिनेट सब कमेटी की बैठक भी होगी जिसमें जो ये जो लोग फंसे हुए हैं भर्तियों में उनको लेकर चर्चा होनी है। और इसी के बीच पोस्ट कोड 980 ड्राइंग मास्टर वाले जो 20 तारीख को आ रहे हैं डिप्टी सीएम से मिलने शिमला, और इनके साथ इनका यह कहना है कि जैसे 817 903 939 में रिजल्ट निकला उनका भी रिजल्ट निकाला जाए, क्योंकि सरकार अब बैकआउट नहीं कर सकती, जो एक के लिए कर दिया वो दूसरे के लिए नहीं कर सकती, इसीलिए इनका रिजल्ट भी घोषित किया जाए।